मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी आज हम लोग पढ़ेंगे। यही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, अगर मान लो कि कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो वह भी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का ही एग्जांपल है। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अंडर ग्रेविटी, कोई वस्तु गिर रही है। अब किसी वस्तु को गिरने के लिए कुछ न कुछ तो फोर्स चाहिए। अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी बॉडी को, तो ड्रॉप करने के बाद वस्तु नीचे आ रही है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग नीचे आकर गिर रही है, तब उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन, अगर हम कहें तो एक्सीलरेशन हम फोर्स के कारण ही हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होगा फोर्स के कारण होगा, और फोर्स क्या होगा, एम जी। अगर मास उसका एम है और जी उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो वेट उस पर लग रहा है एम जी। और mg अगर फोर्स है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या करेंगे, mg by m, that is g। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, जिसके कारण उसका मोशन, जब बड़ वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसका मोशन तेज होता जाता है, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो हमने जो इक्वेशन सीखा है, हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर कोई बॉडी जा रही थी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो हमने तीन चार इक्वेशन डिराइव किया था। इसमें से पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at, आपको याद होगा कि हमने लिखा था कि v इज इक्वल टू u प्लस at। इसके बाद लिखा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहां भी हम लिखेंगे एक जगह पर, हम केवल g लिखेंगे, जी का वैल्यू जहां हम लेंगे, जी का वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जी का वैल्यू एवरेज वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि हर जगह जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वह 100% स्फेरिकल नहीं है। यह एक्सीलरेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, इक्वेटर पर कुछ और हो सकता है, पोल पर कुछ और, इसलिए जी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ जी लेते हैं अर्थ पर, तब वह एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब भी हम प्रॉब्लम कर रहे होंगे उस समय जी का वैल्यू, हम जब दिया रहेगा जी का वैल्यू कि 10 मीटर, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। यदि लिखा रहेगा 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ होगा तब हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब खुद अपने मन से लेना हो तो हम जी का वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। अगर वस्तु वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा हो डाउनवर्ड, तब हम ए बराबर लेंगे प्लस जी। अब ए बराबर प्लस जी लेंगे तो लिखेंगे भी बराबर यू प्लस जी टी। एस के जगह पर हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे, यह भी डिस्टेंस ही है, तो यह हाइट लेंगे, एल्टीट्यूड लेंगे। तो हाइट के एस के जगह पर हम एच लिखेंगे, और यूटी प्लस हाफ ए के जगह पर जी लिखेंगे, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है। तो इसके जगह पर हम ए को रिप्लेस करेंगे जी से, एस को रिप्लेस करेंगे एच से, तो लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यह हमारा फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हम वस्तु को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम फेंकें अगर, तब ऐसे स्थिति में हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां हम a का वैल्यू ले लेंगे कितना, माइनस जी। क्यों लेंगे ए का वैल्यू माइनस जी, इसलिए कि जब हम ऊपर की ओर वस्तु को फेंक रहे होंगे
तो फेंकने के समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही होगी वैसे वैसे उसका वेलोसिटी घट रहा होगा, क्योंकि जी का वैल्यू नीचे की ओर अर्थ पुल कर रही है बॉडी को नीचे की ओर, इसलिए फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इसलिए एक्सीलरेशन नीचे की ओर ही लग रहा है। ध्यान रहे कि हम वस्तु को ऊपर फेंकें या नीचे की ओर गिरावें, हमेशा एक्सीलरेशन नीचे की ओर ही होता है। चूंकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं इसलिए उस बॉडी के लिए रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए हम ये का वैल्यू हम माइनस जी लेंगे और लिखेंगे भी बराबर यू माइनस जे टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर एंड भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अगर हमको मैक्सिमम हाइट निकालना हो, एक मिनट के लिए सोचिए कि हमको मैक्सिमम हाइट निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बॉडी का, हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, मान लीजिए कि बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। आप एच लिखेंगे या फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वस्तु रुक जाती है, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वस्तु रुक जाएगी, तो उस समय मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माने फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो देंगे, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, और यहाँ एच क्या है, मैक्सिमम होगा, और जब यहाँ एच मैक्सिमम होगा तो लिखेंगे टू जी एच मैक्सिमम बराबर है यू स्क्वायर, इसलिए एच मैक्सिमम बराबर लिखेंगे यू स्क्वायर बाई टू जी। इसको हम मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको अभी तक मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताया है, मैक्सिमा मिनिमा जब मैं बता दूंगा तो इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना होता है, एक मिनट के लिए थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि यह कोई कर्व है y इज ए फंक्शन ऑफ x, इधर x एक्सिस हम ले रहे हैं, इधर हम y एक्सिस ले रहे हैं। अब जरा सोचिए कि यहां का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह डिस्टेंस x1 है और यह हाइट y1 है। जैसे जैसे x का वैल्यू बदल रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी बदल रहा है, और x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू xi के लिए y हो जा रहा है मैक्सिमम। अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचें, इस कर्व के इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें, तो यह टेंजेंट जो होगा यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन इसके पहले हम टेंजेंट खींचे तो यह पैरेलल नहीं होगा बल्कि यह एक्स एक्सिस के साथ कुछ पॉजिटिव एंगल बना रहा होगा। फिर अगर हम एक्स का वैल्यू बढ़ाएं तो एक्स के वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ वाई का वैल्यू घट रहा है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई का वैल्यू घट रहा है, और घट रहा है टेंजेंट खींचेंगे तो यह टेंजेंट का जो यह टेंजेंट जो बनाएगा एंगल एक्स एक्सिस पर यह ऑब्टूज एंगल बनाएगा, अर्थात टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। लेकिन जब हम यहां आ जाएं, जब एक्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स जे के लिए वाई का वैल्यू मिनिमम है, और इस मिनिमम पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचे तो यह टेंजेंट फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और आप जानते हैं कि dy by dx टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहां के लिए भी dy by dx जीरो है और यहां के लिए भी dy by dx जीरो है, अर्थात dy by dx अगर जीरो होगा तो y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर से सुनिए, अगर dy by dx का वैल्यू जीरो होगा तो y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा।
तो वाई के मैक्सिमम होने के लिए या मिनिमम होने के लिए डीवाई बाई डी एक्स को जीरो होना होगा। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम यहां यूज करें तो देखिए कैसे यूज करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कैसे। मान लीजिए कि पहले से इक्वेशन हमने लिखा है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच का वैल्यू है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो लिखेंगे डी एच बाई डी टी बराबर है टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू तो कांस्टेंट है तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन होगा, माइनस हाफ जी तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफिनेशन डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा टू टी, टू से यह टू कैंसिल इसलिए डी एच बाई डी टी बराबर होगा यू माइनस जी टी। अब जरा सा देखें कि dH by dt बराबर u माइनस dt हुआ तो h को मैक्सिमम होने के लिए dH by dt जीरो होना चाहिए। जैसे y को मैक्सिमम होने के लिए dy by dx जीरो था, उसी तरह से यहां h को मैक्सिमम होने के लिए dH by dt का वैल्यू जीरो होगा। फॉर h टू बी मैक्सिमम dH by dt is equal to zero, इसलिए जीरो बराबर हो जाएगा u माइनस gt या gt बराबर u, इसलिए t बराबर हो जाएगा u by g। अगर t का वैल्यू हम यहां पुट कर दें इस इक्वेशन वन में, t का वैल्यू यहां पुट कर दें u by g, तो h का वैल्यू जो आएगा वह मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए एच मैक्सिमम अगर हमको निकालना होगा तो हम टी का वैल्यू जहां जहां टी है वहां यू बाई जी देंगे। यहां लिखे यू इंटू टी के जगह पर यू बाई जी दिए, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है तो यू बाई जी का होल स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, जी स्क्वायर में से एक जी से कैंसिल हो गया, यह हो गया यू टी है या यू स्क्वायर बाई जी है, माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी है, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। जो पहले हम निकाले थे एच मैक्सिमम का वैल्यू वही वैल्यू अभी भी आया, दिस इज यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, थैंक यू। आइए प्रॉब्लम करते हैं। ए बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हुज इक्वेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट एच इज इक्वल टू थ्री टी माइनस टू टी स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन दिया, अब मालूम करना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा पार्टिकल को या बॉडी को। दूसरा है कि वह मैक्सिमम हाइट कितना है, कितने हाइट तक वह अधिक से अधिक जाएगा पार्टिकल। तो इस प्रॉब्लम को हम करते हैं, इक्वेशन लिखे हैं h इज इक्वल टू थ्री टी माइनस टू टी स्क्वायर। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना यह है कि इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dh by dt इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर टी, टू इंटू टू टी दिस इज फोर टी। अब हमको क्या करना है, फॉर एच टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होने के लिए dH by dt जीरो के बराबर होना चाहिए, और dH by dt का वैल्यू 3 माइनस 4t है, इसलिए 3 माइनस 4t इज इक्वल टू जीरो, सो 4t इज इक्वल टू 3, सो t इज इक्वल टू 3 बाय 4 सेकेंड। एक आंसर आपको मिल गया कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 3 बाई 4 सेकेंड। अब वह मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट हम इस वैल्यू में टी का, इस इक्वेशन में टी का वैल्यू दे देंगे। द मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम बराबर 3 इंटू टी का वैल्यू हम निकाले हैं 3 बाई 4, सो दिस इज 3 बाई 4 माइनस 2t स्क्वायर, 2 इंटू 3 बाई 4 का स्क्वायर दिस इज 9 बाई 16,
3 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई 16। सो दिस इज इक्वल टू 9 बाई 4 माइनस, या क्या हो जाएगा 9 बाई 8। और 9 बाई 4 और 9 बाई 8 को जब आप घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर 18 माइनस 9, दिस इज 9 बाई 8 मीटर इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। पढ़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच।